शिवप्रिय उद्योग समूह, शिवप्रिय सहकारी पतसंस्था, प्रिया विद्याविहार इंग्लिश स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज आणि शिवप्रिय फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमानाने शिवप्रिय तीर्थस्थान केतापार कडमेश्वर येथे ईश्वरी अनुभूती दिवसाचा कार्यक्रम 5 डिसेंबरला आयोजित करण्यात येत आहे. कार्यक्रमात ग्राम स्वच्छता अभियान, बेटी बचाव बेटी पढाव, स्त्री शिक्षणाचे महत्व, अंधश्रद्धा निर्मूलन, व्यसनमुक्ती अशा अनेक विषयाद्वारे जनजागृती करण्याचा आमचा उद्देश आहे, असे वक्तव्य प्रतिभा शिंदेनी विदर्भ ब्रेकिंग न्यूज टीव्हीशी संवाद साधून केले. अपने शहर नागपुर में VRS ब्रांड हाउस लेकर आया है मल्टी ब्रांड क्लास. सभी ब्रांडेड कंपनियों के कपड़े 100% गारंटी के साथ अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध. हमारा पता है पहला माला होटल विला 55 केनल रोड गोकुलपेट नागपुर. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7498993801, 9130327502. ये जो 5 दिसंबर ईश्वरी अनुभूति दिवस हम पिछले 22 सालों से लगभग मना रहे हैं और इस दिन का उद्देश्य हमारा यही है कि यहाँ जो हमने शिवप्रिया फाउंडेशन की निर्मिति इसलिए की थी कि ग्रामीण भागों का विकास किया जाए. हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते पर यहाँ पर जनजागृति करने के लिए जितनी भी चीजें हम कर सकते हैं हमने वो प्रकल्प यहाँ पर किए हैं, जिसमें कि ये 5 दिसंबर ईश्वर अनुभूति दिवस में व्यसन मुक्ति शिविर और कलश दिंडी और फिर दही हांडी और बाकी भी शिविरों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है. उसमें है रक्तदान शिविर, पथनाट्य और बहुत सारी चीजों का उसमें समावेश होता है. बदलाव तो हर साल हम सोचते हैं कि हर कुछ नया दिया जाए. आने वाली पीढ़ी है, हर साल एक पीढ़ी बनती है और इस पीढ़ी को हम हर साल कुछ नया देना चाहते हैं. जैसे इस साल की हमारी थीम है बेटी बचाओ, स्त्री शिक्षण को ज्यादा स्तर इम्पोर्टेंस दिया गया है और किसान को बचाओ, ये तीनों चीजों पर भर दिया गया है और इसकी आज बहुत जरूरत है ऐसा मैं समझती हूँ. उसी पर ज्यादा हमने इम्फेसाइज किया है. जैसे कलश दिंडी है जो गांव से महिलाएं लेके आती है, उसमें पानी का घड़ा और उसमें पेड़ लेकर आती है. वो एक संदेश देती है कि पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, यानी सृष्टि को बचाओ. ये हम हमारे विद्यार्थियों को इसके मार्फत बताना चाहते हैं. और उसके अलावा व्यसन मुक्ति पर है, बाद में बेटी बचाओ इस पर कुछ नाटक है, पथनाट्य है और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया और विविध सांस्कृतिक कलाओं के माध्यम से हम पूरी तरह से जनजागरण और लोगों का एंटरटेनमेंट भी करना चाहते हैं. आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपने शेतकर और शेत बंधारे देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि वाटर लेवल जो मेंटेन होती है, नाले आपने देखा होगा उसमें. आप भी आज वाटर लेवल जो दिखी है, आज आपको 12 मंथ्स आपको ये वाटर लेवल दिखेगी और उससे क्या होता है कि जो कुएं है यहाँ पे, कुएं में भी वाटर लेवल आपको हमेशा, यानी आप समर में भी जब अपने नागपुर में टेम्परेचर होता है अराउंड 47-48, फिर वाटर लेवल मैक्सिमम 3 से 4 फुट नीचे जाएगा. वो दैट इज टू फैसिलिट आर स्टूडेंट्स को, बच्चों को ये फैसिलिट करते हैं कि वाटर हार्वेस्ट कैसा करना चाहिए, वाटर वाटर को वाटर लेवल कैसे, वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है सैंड थ्रू, वो पूरे 75 एकर्स जो हमारा लैंड है यहाँ पे कल्टीवेटेड लैंड, वो पूरा पूरे 75 एकर्स में हम इरिगेशन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं उसका हम लोग फैसिलिटेट करते हैं बच्चों को. और नॉट ओनली स्टूडेंट्स, यहाँ पे नियर अबाउट कलमेश्वर तालुका में एक नियर अबाउट 27-28 विलेजेस है, हम उनके लिए अनेक शिविर यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं कि ग्रामीण विकास और क्षेत्र यहाँ के जो काश्तकार है या फिर यहाँ के जो फार्मर्स है उनको फैसिलिटेट करते हैं कि एग्रीकल्चर कैसा बेनिफिट हो.
ये शिवप्रिया जूनियर कॉलेज दिलीप जाधव शिक्षण संस्था के अंतर्गत है। इसकी स्थापना 2019 से की गई और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि हमारे ऑलरेडी एक कॉलेज नागपुर में है और बहुत स्टेब्लिश है, बहुत सक्सेस है। वो सक्सेस हम यहाँ ग्रामीण के बच्चों को कुछ अच्छा दे सकते हैं, उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, उनके हिडन टैलेंट को कैसे और अच्छा बना सकते हैं, उन्हें हम अच्छा चांस कैसे दे सकते हैं, सारी फैसिलिटी के साथ में हमने इस उद्देश्य से यहाँ पे इस कॉलेज की स्थापना की है। मैं अदिति जाधव दिलीप जाधव संस्था की PR मैं आपको कुछ मैसेज देना चाहती हूँ। इस कार्यक्रम के जरिए मैं सभी आमंत्रित व अभिभावकों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को इस माध्यम से मिलने वाली जानकारी को लाभ उठाए और ये कार्यक्रम का आनंद उठाए। धन्यवाद।